हड़तालिका तीज व्रत कथा। यह कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। शंकर जी कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के उद्देश्य से घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। बिना मौसम की परवाह किए तुमने निरंतर तप किया और तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर आए। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। फिर भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उनको सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे यानी कैलाश पति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि एक घनघोर वन में जाकर और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। ऐसा करने से शिव जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे और इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। इसके बाद उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डगमगाने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में मान चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत को पूरा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत पूरा किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा
कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो हर हर महादेव।